वेलकम बैक टू माय चैनल, मैं हूं तस्कीन, आप सबकी दोस्त और मेरी आपकी हम सब की मोस्ट फेवरेट होटल कोलकाता की ITC रॉयल बंगाल। यस, मैं आज यहां हूं बुफे के लिए। यहां ITC रॉयल बंगाल की लग्जरियस एम्बियंस के साथ मैं यहां की बुफे एंजॉय करने वाली हूं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं हमेशा की तरह आपसे कहना चाहूँगी, अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं और मेरे चैनल पर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक दे दीजिए। तो ये हम ITC रॉयल पहुंचने वाले हैं। वी आर एंटरिंग टू ITC रॉयल बंगाल। हियर इट इज। पहुंच गए हम ITC रॉयल बंगाल, मोस्ट लग्जरियस होटल ऑफ द कोलकाता। चलिए, लेट्स गेट आउट। तो लो, हम पहुंच गए एंड आई एम इन द लॉबी। यहाँ से राइट एंड लेफ्ट दो रास्ते जाते हैं, ये राइट जाएंगे या तो आपको रिसेप्शन की तरफ हम पहुंच गए। ये है रिसेप्शन। एंड सांता क्लॉस का जो ये प्रेजेंटेशन जो तैयार करा है, ये जबरदस्त है यार। गंगा घाट का ये पोर्ट्रेट है। ये है दार्जिलिंग लॉन्च जो फर्स्ट फ्लोर में है। Grand Market Pavilion। तो मैं यहाँ पे हूँ किचन ऑफ इंडिया वाले काम सेक्शन में। इंडियन फूड्स यहाँ पे अवेलेबल हैं, हैदराबादी बिरयानी। दिस इज व्हाट भरता, ओके, बैगन भरता, ओके, तड़का, दाल पालक, नो, दाल मखानी, ओके, ओके, पालक दाल, ओके, वो
दिस इज पालक पनीर बढ़िया प्रिपरेशन है ये आलू दम ओके आलू सब्जी ये नॉर्थ ईस्ट सेक्शन है एंड नॉर्थ ईस्ट में ये सब कुछ दिस वेज पिकल ओके एंड दिस ऑल नॉन वेज पिकल ये सब नॉन वेज पिकल्स हैं फर्स्ट यू टेल मी योर नेम व्हाट्स योर नेम ओके यू आर अ शेफ राइट ओके Today what special you have? Kauri style. Okay, kauri. आज की जो special dish में है वो kauri style. What is special in this thing? This is kauri. ये है kauri. We make for soup. Okay. This is chicken. Okay. Steam black rice. ये manipuri rice है. हिमालयन मशरूम है एंड के ये है पालक का जो सब्जी है ना वो वाली सब्जी है ये एंड दिस इज दाल असामी दाल के पपाया दाल है ये एक्चुअली हम लोग इंडियन में बोलते हैं जो ओके चिंगी पोस्तो चिंगरी ओके दिस इज चिंगरी ओके भापा माछ ओके ये भापा मछली जो हम लोग खाते हैं ना बंगाली लोग वाली वो वाली है एंड दिस इज मुर्ग हरा मसाला ओके तो वापस हम हैदराबादी बिरयानी की तरफ आ गए ये कच्चा गोश्त बिरयानी है फिश ये चिकन वाली कबाब है ये मटन सूप है स्टार्टर से शुरू करते हैं और टेस्ट बताती हूँ टेस्ट कैसा करती हूँ स्टार्टर से एंड फर्स्ट प्लेट है मेरा स्टार्टर का ये देखिए स्टार्टर में ये पनीर है ये फिश है ये मटन टिकिया एंड ये ज़बरदस्त लग रहा है मुझे एंड ये चिकन में वन आइटम है तो 1, 2, 3, 4 आइटम्स पनीर चिकन काफ़ी जूसी है एंड बहुत ही ज़्यादा सॉफ्टी इसका प्रॉपर मसाला गरम मसाला का जो लाइट फ्लेवर आ रहा है एंड देसी घी का प्रीमियम क्वालिटी वाली कोई पनीर है ये जो है मसाला का जो स्मेल है वो बिल्कुल भी नहीं है चिकन में सॉफ्टी चिकन है तो गर्म मसाला का अच्छा फ्लेवर आ रहा है चलिए फिश ट्राई करते हैं माउथ के अंदर जाके कैसा मेल्ट हो गया बिल्कुल भी पता नहीं चला चलो अब मटन टिक्की ट्राई करते हैं ओह माय गॉड रियली आई एम टेलिंग यू ये इतनी बेस्ट वाली मटन टिक्की ना मेरी मम्मी के हाथ की होती है एंड वही वाली टेस्ट आ रही है मुझे हम लोग इसको शामी टिक्का बोलते हैं कुछ बिरयानी लिया है ये हैदराबादी ये बिरयानी ये लिया है ये वेजिटेबल बिरयानी है और ये है हैदराबादी बिरयानी और ये कच्ची मुर्ग बिरयानी प्रॉपर जो इंडियंस जो घर में बनाते हैं प्रिपरेशन करते हैं जो बिरयानी की वो वाली प्रिपरेशन वाली स्मेल है और टेस्ट है माय गॉड चलो ट्राई करते हैं हैदराबादी बिरयानी वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट बिरयानी मेरी हैदराबादी बिरयानी मज़ा आ गया खा के तो वेजिटेबल बिरयानी भी ट्राई करते हैं 10 out of 10 फिश है मटन है चिकन है सारी प्रिपरेशन है यहाँ पे लोकल लोकल सारी हिंदुस्तानी नाम और
मेरी लोकल लव वाला सेक्शन वाला प्लेट, ये चिंगड़ी मछली एंड चिकन मटन सब कुछ है। चिंगड़ी जबरदस्त सिंधी मछली करते हैं बोलते हैं, बिल्कुल भी घर वाला स्वाद आ रहा है मुझे। पालक चिकन, पालक चिकन में ना पाया वाला निहारी वाला फ्लेवर मेरे को मिल रहा है। कोरमा वाला प्रिपरेशन है ये आलू के साथ, जो मैंने ऐसी सुना था मैं जो पाया गया निहारी जो है वो ट्राई करा। सीरियसली देखो जो प्रिपरेशन करते हैं ना निहारी का मज़ा आ जाएगा आपको। सेम प्रिपरेशन मुझे यहाँ मटन में लग रही है, वही वाली टेस्ट आ रही है मुझे। ये मैंने कुछ का लिया है और ये दही बड़े हैं। यहाँ मेरा आइसक्रीम कम्प्लीट दिया हुआ है। वनीला फ्लेवर, ये गार्निश भी करा है चॉकलेट्स के साथ, ड्राई फ्रूट्स के साथ, नट्स के साथ। मेरे चेहरे की खुशी से मिठाई है आइसक्रीम खाने के बाद, उसको देख के आपको समझ जाइए कि कितना बढ़िया टेस्ट है इसका। बोलो है, ये खीर है एंड यहाँ पे मावा का खोआ है, ये डार्क चॉकलेट है, ये भी पुडिंग है, बूंदी चूर, बूंदी चूर है, बूंदी चूर सबसे पहले ट्राई करती हूँ, मीठा कम है और देसी घी के स्वाद जबरदस्त आ रही है। मावा का खोआ बहुत मज़ा आ रहा है खाना खा के आके, एंड ये डार्क चॉकलेट मिक्स वाइट फिरनी अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड लाइक कर दीजिएगा, ताकि मेरा वैल्यूबल ब्लॉग्स आप तक टाइम से पहुँचता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में किसी अच्छे से 5-star रेटिंग।